हेलो एवरीवन, दिस इज रिशु, बनारस से बटरफ्लाई. सॉरी फॉर लेट, काफ़ी दिनों बाद ही वीडियो डाल रही हूँ. मैं आज वापस घर जा रही हूँ. मैं 2 महीने से यहाँ स्टक थी, सो फाइनली गोइंग टू होम. और बिकॉज ट्रेन में जा रही हूँ तो कई सारे प्रिकॉशंस भी लेने हैं. फर्स्ट टाइम आई एम वेरी नर्वस अबाउट माई ट्रैवलिंग. अकेले ट्रैवल करना मुझे बहुत पसंद है, बट दिस टाइम थोड़ा सा नॉर्मल एबनॉर्मल लग रहा है. कैसा क्या होगा स्टेशन पे, सो लेट्स गेट रेडी फॉर द प्रिकॉशंस. इट इज एडवाइज्ड बाय रेलवे, सो आई एम गोना वेयर दिस मास्क फॉर माय सेफ्टी, ग्लव्स एंड दिस सैनिटाइजर. इट्स अ स्प्रे सैनिटाइजर और ये काफ़ी यूज़ में आएगा मुझे ट्रेन में अपनी सीट को सैनिटाइज करने के लिए. सो फ्रेंड्स, I really want to tell you and inform you about the sanitizers कि अगर आप लेने जा रहे हैं ना तो गवर्नमेंट इनके फिक्स प्राइस की है. लाइक इफ़ यू आर बाइंग अ स्प्रे सैनिटाइजर, इट विल बी कॉस्ट यू 150. सो प्लीज़ ध्यान रखना ताकि कोई और शॉप वाला या कोई आपको ठग ना सके. ऑल डन अबाउट माई पैकिंग एंड ऑल विद अ ट्रॉली, यू कैन सी हियर माई ट्रॉली. एंड नाउ आई एम गोइंग टू बुक माई कैब, क्योंकि स्टेशन जाने के लिए और कोई साधन तो है नहीं यहाँ पे. सो एज अ स्टूडेंट आई वॉज लिविंग हेयर और 2 महीने से मैं यहाँ अकेले थी. एंड नाउ गोइंग बैक इज अ वेरी एक्साइटिंग एंड लिटिल बाइट अफ्रेड ऑल्सो. सो लेट्स सी स्टेशन पे क्या कैसा होता है. मेरी ट्रेन का टाइम होने वाला है, सो 90 मिनट्स पहले पहुँचना है. आई एम गोना बुक माई कैब, सो कंटिन्यू करते हैं. इतनी सुबह सुबह यहाँ पे कोई नहीं है. I'm very much afraid about this. People are sitting here and there and we are going back to the check-in counter. And this is Anil Bhaiya. Hello, bolo. Hello. And here are, yahan pe jo temperature check kar rahe hain, I think. So, it is somehow like a horror movie, jahan pe zombies aane wale hain. And my train is about to come. अगर मैं स्टेशन पहुंच गई हूँ विद सैनिटाइजर एंड ग्लव्स अभी पहनना बाकी है. सो जैसा कि आप देख रहे हो, आई थिंक वहाँ पे टेम्परेचर चेक हो रहा है और टिकट चेक हो रही है. और हेयर यू कैन सी दिस इज नॉट लाइक अ स्टेशन एट ऑल. छोड़ने आ रही हूँ रिशु, RESHU. एज क्या है? एज है मेरी 24. 9 months. कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से इटारसी. इटारसी अच्छा, रहने वाले यहीं के हैं इटारसी? एक्चुअली जाना बनारस से, इटारसी से दूसरी ट्रेन है मेरी. एक चीज़ और पूछूं आपसे, कुली वगैरह मिल रहा है क्या इसमें? कुली वगैरह कुछ यहाँ पे अभी तो मुश्किल है. इटारसी में कुछ है वहाँ पे मिल जाएगा. हाँ है, हाँ आरोग्य सेतु है. ओके भैया, इतने दिन में शो कर देंगे वो थर्मामीटर, शो कर दीजिए बस. एवरीबॉडी इज गेटिंग चेक बाय हेयर. अंदर जाऊँ मैं? अनिल भैया सो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ये लोग चेक कर रहे हैं टेम्परेचर. मेरा हो गया है, सफाई भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है. पीपल आर नोटिंग डाउन द नेम्स एंड द नंबर्स ऑफ द एवरी पैसेंजर्स हियर. अब वो गिर गया, सो छोड़ दो. अरे पौधा था ना, मैं इसको पकड़ती हूँ, आप उसको उठाओ. मैं इतना सारा लगेज लेके जा रही हूँ कि मेरी चीज़ें अभी से गिरना शुरू हो गई हैं. अनिल भैया बोल रहे हैं आई एम गोइंग टू द पाकिस्तान. चलो चलो हम भी जाते हैं. हाँ, वी आर गोइंग इनसाइड द स्टेशन. और यहाँ पे ऐसे मार्किंग्स बने हुए हैं, सो डोंट यू थिंक इट इज़ लाइक अ हबीबगंज स्टेशन? ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा है. थैंक्स टू अनिल भैया, सामान उठवा रहे हैं मेरे साथ. प्लेटफॉर्म किस पे आएगी यहाँ पे कुछ पता भी नहीं चल रहा है. पूछ लेते हैं, एक बार पूछ लेती हूँ मैं. पूछ लो है ना, बोल रहा हूँ अभी. सो आई एम गोना आस्क भैया, एक्सक्यूज मी,
ये इसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएंगी, कामायनी एक्सप्रेस से जाना है इटारसी, चार नंबर पे जाना पड़ेगा, कन्फर्म हो ना? सॉरी मैंने देखा नहीं, आज सॉरी। कामायनी एक्सप्रेस 4 पे आ रही है एंड वी आर गोइंग देयर। कुछ नहीं पे डॉगी मिले हैं, हेलो, 4 पे चलना है। हाँ यहाँ पे ऐसे गोल गोल मार्किंग बने हुए, क्या बोल रहे थे? अभी तो आप हो इटारसी से, मैं क्या करूँगी, मैं पूरा सामान से लादा हुआ इंसान, मैं नहीं देखूंगी सामान देखेगा। ये नीचे से चलें कि ऊपर सीढ़ी से? सीढ़ी को बंद है, नीचे से जाना पड़ेगा। क्यों भैया, 4 पे जाने के लिए इधर से ही? यहाँ भोपाल में काफी सारा कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है। अरे बाप रे, सीढ़ी है यहाँ तो। हाँ अरे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं, मेरा कंधा दर्द हो गया यार। मैं आपको जीवन में नहीं बोलने वाली हूँ, पता है। ऑटो वाला रुका होगा अभी, डोंट वरी। आ रही है? मजाक कर, उसमें बैठ बैठ के टूस टूस के सामान भरा, चेन भी बंद हो रही थी, ऊपर बैठ के बंद की है। तो यहाँ हबीबगंज में एक चीज बहुत अच्छी है, वो ये है कि यहाँ पे अंडरग्राउंड हम प्लेटफॉर्म्स चेंज कर सकते हैं, बिकॉज अभी कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है और ये हर जगह हम लोगों ने मार्किंग बना दी, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो मैं इतनी जल्दी आ तो गई हूँ, पर इधर कहीं चेकिंग इधर का इधर हो रहा, चेकिंग में ज़्यादा टाइम लगा नहीं बिकॉज भीड़ नहीं है, नो बडी इज गोइंग। जगह जगह पर डस्टबिन है, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सफाई है। सो हियर आई एम विद माई लगेज एंड ऑल, सामान लेके घर जा रही हूँ मैं। अनिल भैया मुझे गालियाँ देने वाले हैं घर जाने के बाद, उनको मैंने बहुत तंग किया है, पर थैंक यू सो मच अनिल भैया, विश मी अ सेफ जर्नी। नहीं लग रहा है कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, स्टेशन इज लाइक अ हॉरर थिंग। यहाँ दूर दूर तक बहुत कम लोग हैं, इट्स ऑल वियर्ड, इट्स वेरी वियर्ड एक्चुअली। I'm feeling like a zombie movie and I'm traveling. So much और सारे वेंडर शॉप्स बंद हैं, तो उन्हें मेरी ट्रेन में टाइम है। स्टेशन तो आ गई, सेटिंग भी हो गई, बट अभी ट्रेन का टाइम है नहीं, सो आई एम वेटिंग मेरे लगेज के साथ वहाँ पर। My hair wrap inside the train और यहाँ पे सीट्स पूरी खाली है जैसा कि हम देख रहे हैं, क्वाइट कम्फर्टेबल एंड सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है। बाय बाय भोपाल। अब यहाँ से मेरी हाल जर्नी, मतलब मुझे सेकंड ट्रेन पकड़नी है, सो आई एम हियर सेटिंग विद माय लगेज। और जैसा कि आप देख रहे हो पीछे ट्रेन खड़ी है, विंडोज कुछ कुछ खुले हुए हैं, लोगों ने काफी भीड़ लगा रखी है यहाँ पे। 4 नंबर आई है आपकी।
यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग फिलहाल मुझे तो नहीं दिखी है, बट आई एम ट्राइंग टू अवॉइड पीपल. आई एम सिटिंग हियर विद माय सैनिटाइजर, ऑल सैनिटाइजर विद माय लगेज. आई एम वेटिंग फॉर माय टिकट. बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि यहाँ पे कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि ट्रेन किस पे आ रही है किस पे नहीं जा रही है. प्लेटफॉर्म नहीं मालूम पड़ रहा है, उसको पता करने के लिए काफ़ी दिक्कत मुझे हो रही है. सो देखते हैं, मालूम पड़ता है ट्रेन में बैठती हूँ एंड वी विल कंटिन्यू द वीडियो. सो मेरी ये ट्रेन जो है 12:30 बजे और मैं ट्रेन का वेट कर रही हूँ इटारसी में. आई एम सिटिंग हियर और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है प्लेटफॉर्म्स को लेकर. सो आई एम ट्राइंग टू क्लियर कि मेरी गाड़ी जो है वो किस पे आने वाली है विद माई लगेज. और काफ़ी भीड़ है इटारसी स्टेशन, जैसा कि आप देख सकते हो पीपल आर यूजिंग द वेंडर्स शॉप है. मैं तो अवॉइड कर रही हूँ बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रही हूँ, बट नहीं हो पा रही लोगों से. लेट्स सी मेरी ट्रेन किस स्टेशन पे आती है. आई हैव टू वेट एंड आई एम हियर एट इटारसी. तो फाइनली मैं अपनी ट्रेन में बैठ गई, मेरी ट्रेन आ गई. काफ़ी कन्फ्यूजन था कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, डिस्प्ले कुछ और शो कर रहा था, लोग कुछ और बोल रहे थे, इट वॉज वेरी मेस. और एक घंटा बिफोर मेरी ट्रेन आई और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आई. 6, 2, 4 सब ढूंढ के एंड फाइनली आई एम इनसाइड द ट्रेन. सो आई विश यू अ हैप्पी जर्नी. मैंने पूरी सीट सैनिटाइज किया, पूरा लगेज सैनिटाइज किया है एंड नाउ आई एम गोना स्लीप. थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होने के बाद आई थिंक आई नीड टू स्लीप. काफ़ी यहाँ पे लोग जा रहे हैं ट्रेन में और सोशल डिस्टेंसिंग समहाउ आई डोंट थिंक सो फॉलो हो रहा है प्रॉपर तरीके से. बट या मैं सबसे अलग बैठ रही हूँ, मेरी सीट अपर बर्थ है और मुझे सो बनारस पहुँचते हैं. हेलो एवरीवन, ये भी मालूम करना है कि बच्चा डेट से मिल गया. मैम वेरी शॉक, मैंने उनकी डेट कार से ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लग रही है. काफी बदल गया स्टेशन पहले से, मैं 1 साल बाद आ रही हूँ. हाँ थोड़ा लोग जाने वाले लोग चढ़ेंगे. बापरे, स्वचालित सीढ़ी नहीं है ना आसपास कहीं, इतना सारा सामान लेके बाकी सब टांग लिए. वही 3 चीज हमको दिक्कत हो रही है. अरे
हमको तो और 9 पे जाना है प्लेटफॉर्म 9 पे उस हाँ कैंटोनमेंट की साइड कर हाँ पापा आ रहे हैं इतने पता नहीं चलेगा धन्यवाद हेयर इज माई ट्रेन एंड आई एम एट द स्टेशन राइट नाउ और अभी बज रहे हैं आप टाइम देख सकते हो 1:40 सो इट्स 10 मिनट्स लेट बट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई अराइव्ड फाइनली मैं बनारस पहुंच गई हूँ और अभी टाइम आप देख सकते हो 1:41 मीन्स थोड़ा सा लेट हुई एंड दिस इज माई ट्रेन मैं यहाँ से भी उतरी हूँ विद माई लगेज एंड आई हैव टू गो विद दैट फुल सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी मैं बनारस से बटरफ्लाई मास्क लगाना है और मैंने हाथ सैनिटाइज़ किए इसलिए मैंने ग्लव्स नहीं पहना बिकॉज उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेरे सफोकेशन हो रहा था सो लेट्स गो एंड फाइंड अ कैब और ऑटो कुछ तो मेरे जो घर जाने के लिए